हाय एवरीवन दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स किए थेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें एमजीसीएल टू के बारे में वॉट इज एमजीएल टू मैग्नीशियम क्लोराइड नाउ ये एमजीसीएल टू बेसिकली बना कैसे है मैग्नीशियम के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तभी तो जब हमने इनको क्रिस क्रॉस किया तो ये क्या बन गया एम जी सी एल टू ठीक है सो so, अब यहाँ पे अगर एम जी के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम है यहाँ पे एक कैटायन और क्लोरीन क्या है यहाँ पे अनायन अब क्योंकि इस कंपाउंड में कैटायन भी है अनायन भी है इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है एक आयनिक कंपाउंड है सो ऑप्शन नंबर टू तो है यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट तो अगर हम देखें कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं तो वी नो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयरिंग नहीं होती और आयनिक बॉन्ड को हम और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड सो ये वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे करेक्ट अब इस केस में मैग्नीशियम के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आल्सो मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और क्लोरीन क्या है यहाँ पे नॉन मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है नेगेटिव चार्ज सो क्लियरली यहाँ पे ये यह जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ये यह जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें अबाउट आयनिक कंपाउंड्स तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड बनता किससे है दो आयन से एक होगा एक होगा होगा अब बिकॉज ये दोनों ही हैं तो इनमें होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो ये स्ट्रोंग फोर्सेस के कारण ये जो आयनिक कंपाउंड हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हो जाता है हाई इसीलिए ऑप्शन नंबर टू तो है यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं हार्ड होते हैं पर ब्रिटल होते हैं तो ऑप्शन नंबर वन भी यहाँ पे है एक करेक्ट ऑप्शन अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री देखें तो आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पे क्या गिवन है दैट दे आर जनरली सॉलिबल इन वाटर वाटर क्या है एक पोलर सब्सटेंस है और आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर होते हैं बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि आयनिक कंपाउंड में भी एक केटाइन है और एक अनाइन है और वाटर में भी क्या है वाटर कैसे बनता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव से सो so, यहाँ पे भी एक केटाइन है और एक अनाइन है सो आयनिक कंपाउंड के पास भी केटाइन अनाइन और वाटर के पास भी केटाइन अनाइन और केमिस्ट्री में रूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक इसीलिए क्या होंगे आयनिक विल बी इन ऑप्शन नंबर थ्री भी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर की बात करें तो हमें क्या गिवन है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसका रीजन यहाँ पे क्या है कि देखो जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड तो उस केस में यहाँ पे आयंस तो प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव ये फ्रीली कब मूव करेंगे जब ये एक्वल स्टेट में होंगे ठीक है तो एक्वा स्टेट में ये जो आयंस हैं दे विल बी फ्री टू मूव और जब आयंस मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर जो यहाँ पे गिवन है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें बतानी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी सो so, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर थर्टींथ हमें बताना है कि किस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो ही तो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है और जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो हमें कैसे पता लगता है बाय रिएक्टिविटी सीरीज सो यहाँ पे अगर हम लिथियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कॉपर आयरन और सिल्वर का रिएक्टिविटी सीक्वेंस देखें तो वो क्या होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम देन पोटेशियम देन सोडियम देन मैग्नीशियम आयरन फिर हाइड्रोजन आ जाएगा देन कॉपर एंड देन सिल्वर सो so बस अब हमें यहाँ पे क्या देखना है जो मेटल ऊपर लाई करता है वो नीचे वाले मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है सो so अगर हम यहाँ पे देखें एल ने किसे डिस्प्लेस करना है एन को देख लेते हैं एल आई से ऊपर लाई कर रहा है या नहीं यस yes, कर रहा है सो so ये रिएक्शन तो यहाँ पे हो जाएगी

कॉपर ऊपर लाई कर रहा है सिल्वर से सो so, ये रिएक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल है हमें यहाँ पे बताना क्या था कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही ये वाली रिएक्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर्टींथ इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उन्होंने हमसे मेटल पूछा है ना कि नॉन मेटल तो विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टल कौन सा होता है 15, से कौन सा नॉन मेटल होता है नॉवी नो जर्नरली नॉन मेटल्स होते हैं वो लश्चरस नहीं होते दैट इज उनका शाइनी सरफेस नहीं होता बट आयोडीन इसकी एक एक्सेप्शन है दैट इज आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्चरस होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बतानी है ऑप्शन नंबर वन क्या है यहाँ पे कार्बन एक नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट एलोट्रोप्स डेट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स ये एग्जिस्ट करता है यस वी नो के कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट एज डायमंड एंड एज सो ऑप्शन नंबर वन तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर टू डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल एंड हैज हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नाउ डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस तो है बट ये एक मेटल नहीं है दिस इज अ नॉन मेटल और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो होता है बिकॉज ये हार्डेस्ट होता है बट यहां पे हमें मेटल गिवन है इसीलिए जो ऑप्शन नंबर टू की स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर थ्री ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बिकॉज इसके पास यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो so, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें अबाउट एलुमिनियम ऑक्साइड वॉट इज एलुमियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री लेट्स यू ऑप्शन नंबर वन क्या गिवन है हमें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर। सो so, ये क्या हो गया ए एल टू ओ थ्री रिएक्शन किसके साथ करवानी है एच सी एल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं और अगर एक रिएक्टेंट यहाँ पे एसिड है इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रिएक्टेंट यहाँ पे बेस होगा तो ही तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। तो लेट्स कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पे ए एल सी एल थ्री एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा वाटर रिएक्शन को यहाँ पे कर लेंगे बैलेंस सो नाउ यहाँ पे बिकॉज हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेस की तरह लेट्स सी ऑप्शन नंबर टू क्या गिवन है हमें कि हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएच विच इज अ बेस और यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज एन एल ओ टू एंड साथ में क्या फॉर्म हो रहा है वाटर That is, यहाँ पे क्या हो रहा है सॉल्ट और वाटर अगेन फॉर्म हो रहे हैं एक रिएक्टेंट बेस था इसका मतलब दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा एसिड होगा तो ही यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ है सो so, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर टू में यहाँ पे ए एल टू ओ थ्री एसिड की तरह बिहेव कर रहा है नाउ एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज अ बेस एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज एन एसिड यह बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये कैसी ऑक्साइड है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बिकॉज ऐसी ऑक्साइड्स जो दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं या दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर थ्री तीनों की ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एटीन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये जो मेटल्स गिवन है हमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन है ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे इसीलिए ही आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जब हम एन ए एल दैट इज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है नाउ एन ए सी एल बना कैसे होगा एन ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये क्या है बेसिकली मेटल है और ये क्या है नॉन मेटल सो वी नो कि जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का क्या मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसीलिए तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे देखते हैं ऑप्शन नंबर वन सोडियम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स सोडियम क्या है मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा नो no, ये तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ऑप्शन नंबर टू क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बिकॉज ये एक नॉन मेटल है ऑप्शन नंबर थ्री सोडियम हैज वन वेलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं सोडियम इलेवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू कॉमी एट कॉमा वन तो इसके पास यहाँ यह शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो सोडियम के पास वन वेलेंस इलेक्ट्रॉन है सो तो ये भी कौन सी स्टेटमेंट है एक करेक्ट स्टेटमेंट है अगर हम ऑप्शन नंबर फोर्थ देखें क्लोरीन हैज वन वेलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अटोमिक नंबर सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट सेवन

फूड कैंस को हम जिंक से ना कोट करके टिन के साथ प्रेफरेबली कोट करते हैं इसका क्या रीजन है तो अगेन इसका आंसर आएगा फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज रीजन क्या है जिंक ऊपर लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में टिन से तो जिंक के ऊपर लाई करने से क्या होगा ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हम फूड को इसमें स्टोर नहीं कर सकते किसमें स्टोर करेंगे फूड को टिन वाली कैंथ में तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो इस, so, इस चैप्टर की थ्योरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन